मतदान के तीसरे चरण में अपने को पिछड़ते देख बेचैन आत्मा अनर्गल प्लाप में जुट गए हैं। उन्हीं में है लालू प्रसाद यादव जी भी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। आपने तो मंडल कमिश्नर के नाम पर जातियों में मतभेद कर पूरे देश में आग लगाने का काम किया। पीएम मोदी का स्पष्ट कहना है कि देश में दो ही जाति है, अमीर और गरीब। प्रयास अब इस खाई को पाटने का है। कौन दलित और कौन पिछड़ा विरोधी है बस 20 दिन के अंदर पता चल जाएगा। लालू जी धैर्य रखें, क्या गरीब क्या अमीर, क्या पिछड़ा क्या दलित, सबका रुझान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को ही देखने की है। तभी तो सबका संकल्प है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लालू यादव जी की मनसा बड़ी स्पष्ट है। वह SC ST OBC EBC का आरक्षण छीनकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिमों को उनका हक देना चाहते हैं। मंडल कमीशन भी इस देश में तब लागू हुआ जब भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी। पहला बार जब मंडल कमीशन लागू हुआ भाजपा ने ही इसे लागू करवाया, और मंडल कमीशन के लागू होने से पहले भाजपा के समर्थन से बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी थी, तब यहां पर भी आरक्षण लागू हुआ था। इस उपलब्ध कैलाश पति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे। आरक्षण जब भी इस देश में लागू हुआ है भाजपा के समर्थन और सहयोग से लागू हुआ, लालू जी के सहयोग से कभी नहीं। इनके लिए तो आरक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देना होता है, अपने बाल बच्चे और पत्नी को आगे बढ़ाना होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।